चोपड़ा बड़ी चालाकी से अपना स्पाई यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं, जहां उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स को फेमस कैरेक्टर्स पठान, टाइगर और कबीर दिए हैं। वहीं अब वो बी टाउन के बेस्ट डायरेक्टर्स को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पठान को हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है, वहीं वो वॉर 2 के डायरेक्टर नहीं बनेंगे। हम आपको बता दें कि ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 के लिए अयान मुखर्जी को फाइनलाइज किया गया है और इसके पीछे एक कारण है। वॉर मूवी को ऑलरेडी सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर चुके हैं और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने ऋतिक के साथ बैंग बैंग भी की है। इसलिए आदित्य चोपड़ा यानी कि वॉर 2 के प्रोड्यूसर जानते हैं कि सिद्धार्थ अब ऋतिक से कुछ अलग नहीं निकलवा पाएंगे। मतलब आदित्य का कहना है कि एक डायरेक्टर भी होता है जो एक्टर के हिडन टैलेंट को कैमरा पर दिखा सकता है, और सिद्ध और ऋतिक की जोड़ी ने वो कमाल कई बार स्क्रीन पर दिखाया है। इसी वजह से उन्हें चाहिए था ऐसा नया डायरेक्टर जिसका विजन भी हो और जिसने अभी तक ऋतिक को परखा ना हो। यही कारण है कि ब्रह्मास्त्र के फेमस डायरेक्टर अयान लेकर आ रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज। अयान ने कई कमाल की मूवीज जैसे ये जवानी है दीवानी और वेकअप किड बनाई है, और हाल ही में उन्होंने 5 साल लिए थे ब्रह्मास्त्र बनाने में। उन्होंने जो VFX के ऊपर काम किया था और खास DNEG नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर जो सिनेमा का एक्सपीरियंस इंडिया की ऑडियंस को दिया था, वो सच में काबिल-ए-तारीफ था। इसी वजह से यशराज फिल्म्स भी चाहते हैं कि उनके स्पाई यूनिवर्स में भी अयान कुछ नया लेकर आए। हाँ, मेकर्स इतना टाइम नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि 5 साल का वक्त तो नहीं है प्रोड्यूसर्स के पास, लेकिन उन्होंने अयान को फुल लिबर्टी दी है बजट की। वॉर मूवी एक सक्सेसफुल वेंचर इसलिए साबित हुआ था क्योंकि ऋतिक के स्टंट्स और स्टाइल मूवी का मेन USP थे। मूवी के रिव्यूज में यही पढ़ने को मिला था कि मूवी के कई सीन्स हॉलीवुड मूवीज के जैसे हैं, और ये कि मूवी का प्लॉट प्रेडिक्टेबल भी है। मिशन इम्पॉसिबल, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज के एक्शन सीन की कोरियोग्राफी कुछ मिलती जुलती थी वॉर में, मगर वो इकलौती चीज जो मूवी को अलग कर रही थी वो था ऋतिक का स्टाइल। कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में अ लॉट ऑफ स्टाइल स्टंट्स एंड शो बट लैकिंग अ सॉलिड स्टोरी लाइन, वॉर सीम्स मोर लाइक अ ऋतिक रोशन एंड YRF कमबैक दैन एनीथिंग एल्स। ऐसे कमेंट्स आए थे जिससे ये समझ आ रहा था कि ऑडियंस मूवी में और डीप स्टोरी चाहती थी, और इसी स्टोरी पर काम किया है वॉर 2 के मेकर्स ने, ताकि ऑडियंस मूवी को पिछली बार से ज्यादा रिस्पॉन्स दे। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं।